क्वेश्चन में दे रखा होगा वजीर के पास कितने
एग्जाम, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा आंसर आ गया 25। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय, कितने उसने खरीदे। तो आपको पहले लिखा हुआ है स्क्वायर का है 50 kg, स्क्वायर का सेल ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे वाले पेज पे, पीछे वाले पेज पे आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टर सेल स्क्वायर ऑफ रुपीज 50 kg। तो क्वार्टर सेल स्क्वायर ऑफ रुपीज 50 kg, तो वहां से ब्रॉड वहां से कितने में खरीदा, तो उसने वर्क फोर्स खर्च कर दिया था, तो हमने लिख दिया 25 और डिवाइडेड बाय 50। तो क्या आ गया हमारा आंसर 1/2 kg ऑफ स्क्वायर, कितने स्क्वायर थे 1/2, मतलब 1 का आधा, तो 1/2 kg ऑफ स्क्वायर था, कितना था 1/2, ठीक है। ये आप उसको कॉपी में राइट डाउन करना है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्स का हम करना है, तो सेम उसका भी ऐसा ही होगा, उसका 3/4 दे रखा हुआ है, तो हम 3/4 के हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा एंड मैं इसको कुछ चेंज कर दिया, सेम एज इट इज दिया है, सिर्फ नेम चेंज होंगे। मेथड सेम ही है, बस वैल्यू का डिफरेंस है, वहां पर 1/4 दे रखा था, यहाँ पे 3/4 दे रखा होगा, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। उसके बारे में बताया है, बहुत सारी लेडीज थी, बहुत सारी उसने शिकटी कर दी थी,
बिंकर बैंक, बिंकर बैंक मतलब लेडीज का जो लेडीज रहती है ना उनकी, वो अपनी बात कर रहे थे बैंक के रिलेटेड। फसीना है जो प्रेसिडेंट, फसीना कौन थी उनकी, इसमें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब उनकी जो हेड में बड़ी हो, मतलब सब उनकी हेड हो। 20 फिशर वुमन हैव मेट देयर ओन बैंक, 20 फिशर बैंक की उन्होंने खुद की एक बैंक बनाई, ठीक है, इसलिए इस बैंक का नाम दे रखा है मिंकर बैंक। मिंकर नीम मतलब क्या होता है, फिश, इसलिए फिश की जो सारी लेडीज थी इसलिए उसका नाम लिखा है मिंकर बैंक। 20 फिशर वुमन हैव मेट देयर ओन बैंक, ईच सेव रुपीज 25 एवरी मंथ एंड पुट इन द बैंक। हर एक 20 वुमन थी, 20 महिलाएं साथ में थी, लेडीज साथ में थी, वो काम करती थी और पर डे का वो 25 रुपए सेविंग करती थी, ठीक है। तो पूछा गया है वो मंथ में कितना सेविंग करती है और कितने से कितने ग्रुप का इनका अपना टोटल 20 जनों का था, 20 जनों का ग्रुप था। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ, हर एक मंथ में कितना अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। एक लेडी कितना करती थी, 25 रुपीज पर डे के हिसाब से करती थी ईच मंथ, ठीक है, 25 रुपए हर एक मंथ वो करती थी। तो पूछा गया है कि पूरे मंथ में कितना पैसा कलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
in 1 year is equal to 12 into 60,000 रुपीज़